एलर्जी एक किस्म का मदाफ़ियती निज़ाम है। ये बॉडी का रिएक्शन होता है किसी भी कोई फॉरेन बॉडी या कोई फॉरेन एलिमेंट या कोई ऐसी चीज़ जिसमें जब जाती है तो जिसमें एक रद्देमल के तौर पर उस पर असर करता है, इसको एलर्जी कहते हैं। लेकिन अगर ये रिएक्शन ओवर रिएक्ट टाइप का हो तो उसमें ओवर रिएक्शन की वजह से कुछ सिम्टम्स बॉडी में डेवलप होने लगते हैं या अलामतें कुछ ज़ाहिर होती हैं। फिर जो हमारा निज़ाम तनफ़ुस है यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का जो निज़ाम है, उसकी एलर्जीज होती हैं। कुछ पेट की भी एलर्जीज होती हैं, हाथों की एलर्जीज, नहीं कोई ऐसे फूड्स हैं जो खाने से पेट डिस्टर्ब हो जाता है, मोशन वगैरह होने लगते हैं या कॉन्स्टिपेशन होने लगती है, वो खाने की वजह से होती है। इसी तरह उसको सांस की या निज़ाम में तनफ़ुस की एलर्जीज होती हैं, जिसमें कि कोई भी चीज़ जब सांस के ज़रिए जिस्म के अंदर दाखिल होती है, सांस की नालियों में जब जाती है तो उसके अगेंस्ट जो है सांस की नालियाँ रिएक्ट करना शुरू करती हैं, उसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इसकी भी कैफियत हैं। तीसरी एलर्जी वो स्किन की होती है। स्किन के अंदर जो है वो कोई भी चीज़ स्किन से जब टकराए या टच करे या उसका कांटेक्ट हो उसमें, तो बॉडी स्किन जो है रिएक्ट करती है। उसमें मुख्तलिफ किस्म की अलामत होती हैं, या तो एक्जिमा जिसको कहा जाता है आम जबान में, वो भी हो सकता है, और बॉडी पे सुर्ख निशानात पड़ जाना जिस्म के ऊपर या जिल्द के ऊपर या सूजन के पैचेस आ जाना, वो होती हैं इसमें। ये एलर्जीज केमिकल्स से भी हो जाती हैं बाद बाद, या तो ख़ास खुराकें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो है हाथों में एलर्जी होती हैं, तो वो आप खाने अवॉइड करें, वो ना इस्तेमाल करें। जैसे कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, दूध पीने से उनको मोशन हो रहते हैं तो वो लोग दूध ना पिए। इस तरह सांस की जो एलर्जीज होती हैं, निज़ाम तनफ़ुस की जो एलर्जीज़ हैं, तो उसमें अगर जो सांस के साथ चीज़ें जाती हैं जिस्म के अंदर, उसके अगेंस्ट ये रिएक्शन होता है। तो उसमें अगर ये कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए या ऐसी जगहों पर ना जाया जाए, उमूमन जैसे मैंने बताया निज़ाम तनफ़ुस की जो एलर्जीज होती हैं उसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये अलामतें ज़ाहिर होती हैं। लेकिन ये अलामतें और भी बहुत सी बीमारियों में होती हैं। अच्छा, एलर्जीज़ के अंदर ये होता है कि अगर कोई चीज़ वक्तन फ़वक्तन बार बार हो रही हो आपको, और ख़ासतौर पर निज़ाम तनफ़ुस की एलर्जी होती है, इसमें अगर आपको इन एलर्जी इन अलामत के साथ, इन नज़ले, ज़ुकाम और खांसी के साथ अगर आपको बुखार नहीं है, तो उमूमन ये एलर्जी होती है। और अगर ये बार बार हो रही हो और किसी ख़ास माहौल में जाने से आपको बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब ये है कि शायद ये एलर्जीज हो सकती है। अच्छा, इसमें एलर्जीज हो तो किसी भी उम्र में सकती है ना। बाल बाल को बच्चों को जैसे पैदाइशी कुछ चीज़ों से एलर्जीज होती हैं, और ये एलर्जीज आपको ज़िंदगी के किसी हिस्से में बाद में भी डेवलप हो सकती हैं। ख़तरनाक भी उम्र उस वक्त में होती है, जैसे ख़ासतौर पर जो सांस की नालियों की एलर्जीज मैंने बताया कि ये ज़्यादा कॉमन होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये ख़तरनाक भी उसी वक्त हो सकती हैं। तो ओल्ड एज में जाके कुछ, क्योंकि ऑलरेडी हमारा निज़ाम जो है तनफ़ुस का थोड़ा सा कम्प्रोमाइज़ हो चुका होता है, तो इसलिए ओल्ड एज में ये एलर्जी ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। या बहुत छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स जिसको कहा जाता है, यानी 1 से 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनमें ये एलर्जी ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है।